आइए आपको सीधे लिए चलते हैं गरियाबंद जिले के फिंगेश्वर, जहां लगभग 10 गांवों से पहुंचे सैकड़ों किसान अपनी मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कुछ प्रमुख मांगे हैं, क्यों धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और क्यों किसान इस धरना प्रदर्शन के लिए मजबूर हुए हैं। नमस्कार, मैं हूं आपका पत्रकार सतीश शेखिमरण, आप देख रहे हैं द न्यूज नेटवर्क। बोनस के हमारा खेती किसानी का माह था, हमारे बोनस नहीं आते, बेकार कारण से हम आज बैठे हैं। वहाँ भी नहीं होगी तो मुख्यमंत्री के घर जाएंगे, उससे मांग करेंगे। पूरी करो, पूरी करो, मांग पूरा, रोड देना होगा, देना होगा, देना होगा। जिले के किसान एक साथ गरियाबंद जिले कलेक्टर के घेराव करेंगे, मांग पूरा, रोड देना होगा, देना होगा, देना होगा। फिंगेश्वर विकास खंड के लगभग 10 गांव से सैकड़ों की संख्या में किसान तहसील कार्यालय पहुंचे और यहां भारतीय किसान संघ के बैनर तले अपनी मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम राजिम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपे हैं। धरना प्रदर्शन में भारतीय किसान संघ के नेता एवं भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के नेताओं ने जमकर कांग्रेस सरकार पर निशाना साधे हैं। वहीं धरने पर पहुंचे सैकड़ों किसानों ने बताया कि वे रेगा में खेती बोते आ रहे हैं, लेकिन उन्हें अब तक अंतर की राशि नहीं मिला है, साथ ही सम्मान निधि भी नहीं मिला है। किसानों ने कहा कि अगर उनकी मांग समय पर पूरी नहीं होती है तो वे आने वाले समय में और भी ज्यादा उग्र प्रदर्शन करेंगे। बोनस के हमारा खेती किसानी का माह था, हमारे बोनस नहीं आते, बेकार कारण से हम आग बैठे हैं। समस्या यही है कि हमारे रेगा पानी बोथान है, रेगा में हमारा समर्थन मूल्य के 2500 के एक एक दाना लेबन की कहरी से 2500 रुपया हमारा मिलत नहीं है। यही हमारे मन के ये है यानी कि हमारे पूरा रे यह देवा 2500 रुपया खरीदी दे या बोनस। कारण बता रहे हैं कि बोनस नहीं मिलेगा बता रहे हैं। हम धान खरीदी किए हैं तो हम लोग चाहते हैं जब धान खरीदी किए हैं तो हमारा बोनस राशि मिलना चाहिए। वो बोनस नहीं, हमारे हक की राशि है, हैं अंतर राशि है। जैसा बताया भी कि हमारे जो प्रमुख मांग ये है कि आप 2500 रुपया में धान खरीदने के बाद बोल के उसको अंतर की राशि राजीव गांधी न्याय योजना के साथ दे रहे हैं, लेकिन ऐसे हजारों किसान हैं जो रेग में खेती करते हैं, उनका आप हक काट दिए। 20 से 30% किसान इस योजना से लाभ से वंचित हो गया है। बहुत बड़ा अन्याय है, न्याय योजना के साथ में किसानों के साथ अन्याय कर रहे हैं। ये आज हम लोग यहाँ सरकार के तक बात पहुँचाना चाहते हैं। अगर मांग पूरी नहीं होती है तो कलेक्टर से मिलेंगे और वहाँ भी नहीं होगी तो मुख्यमंत्री के घर जाएंगे, उससे मांग करेंगे। भूपेश बघेल जी द्वारा पूर्व में चुनाव के समय घोषणा किए थे कि किसानों के एक एक दाने का धान हम खरीदेंगे। आज धान खरीदी होने के बाद 2500 देने से इनकार कर रहे हैं भूपेश सरकार, जिसके विरोध में हमारे सभी किसान भाइयों विकास खंड फिंगेश्वर अंतर्गत जितने जो गांव हैं सब किसान यहां उपस्थित हुए हैं, प्रदर्शन किए हैं। एक दिवसीय धरना प्रदर्शन करके भूपेश बघेल तक हम अपनी आवाज़ पहुंचाना चाह रहे हैं। यदि हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तो आने वाले समय में पूरे गांव के पूरे जिले के किसान एक साथ गरियाबंद जिले कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे। उसमें भी बात नहीं बनेगी तो मुख्यमंत्री के निवास का घेराव करके यहाँ से हम सभी किसान, सभी माता बहनें पूरे परिवार के साथ वहीं बैठ जाएंगे। लेकिन अगर आने वाले समय में इन समस्याओं का निदान नहीं होता है तो ब्लॉक से जिला और प्रदेश स्तरीय धरना प्रदर्शन करके इस गुंगी बहरी सरकार को जगाने का काम करेंगे। आज भारतीय किसान संघ छत्तीसगढ़ प्रदेश के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय, छत्तीसगढ़ शासन रायपुर छत्तीसगढ़ एवं माननीय प्रधानमंत्री महोदय, भारत सरकार नई दिल्ली के समक्ष ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है और ज्ञापन को मैं यहाँ पर अभी प्राप्त किया हूँ और इसको प्रक्रिया में लेकर हम उच्च कार्यालय को अवगत कराएंगे और उनको प्रेषित करेंगे। फिलहाल मुझे अनिश शेख इमरान और मेरे कैमरामैन लक्ष्मी शंकर को दीजिए इजाजत और क्षेत्र खबरों के लिए देखते रहिए द न्यूज़ नेटवर्क।